प्रीवियस ईयर मॉक में 125 135 आ रहे हैं, मॉक कंटिन्यू करूं या छोड़ दूं, सक्षम त्याग जी। देखिए पहली बात तो मॉक्स में जो मार्क्स आ रहे हैं उनको आप अपना फाइनल रिजल्ट मत समझिए, बेंचमार्किंग के लिए मॉक्स का इस्तेमाल मत करिए, ठीक है। मॉक्स दीजिए क्योंकि उससे टाइम्ड मोड में आपकी प्रैक्टिस होती है, सवाल को एक मिनट में करने की आदत, वो मोमेंटम आपको चाहिए। तो या तो अगर आप मॉक देना छोड़ दोगे तो मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका, लेकिन तब आप प्रैक्टिस कम से कम टाइम्ड मोड में ही करिए। घर पे जब भी सवाल लगाओ आप टाइमर के साथ लगाओ, क्योंकि अब समय नहीं है, टाइमर के साथ ही सवाल लगाना है। तो मॉक का पर्पज होता है, टाइमर के साथ प्रैक्टिस होती है, टाइम्ड मोड में प्रैक्टिस होती है। तो आप मॉक दे सकते हो, स्कोर को दिल से मत लगाओ, मॉक को इसलिए यूज करो कि हाँ ठीक है मैं एक मिनट में कोई सवाल कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, कैसे कौन से ऐसे सवाल हैं जो मेरे एक मिनट में नहीं हो पा रहे, कौन से ऐसे सवाल हैं जो एक मिनट में हो पा रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि आप ये जान पाओ कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। तो मॉक्स मैं नहीं कर रहा हूं कि छोड़ दो, बस नजरिया बदल दो, अपने स्कोर को कंपेयर मत करो किसी से, ठीक है। मॉक दे सकते हो, लेकिन अगर आप उससे अपने आप को स्टॉप नहीं कर पा रहे और वो आपके अंदर एक नेगेटिविटी पैदा कर रहा है, आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरा नहीं होगा, तो मॉक आप छोड़ दो और टाइम्ड मोड में टाइमर लगा के ही प्रैक्टिस करो घर पे, ये बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम्ड मोड में प्रैक्टिस इस समय नहीं करोगे तो भी आपका मोमेंटम खराब ही होना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपको टाइम्ड मोड में ही सवाल करने, इसलिए मैं आपको एक मिनट का टाइम दे रहा हूं यहां पर कि सॉल्व करो। तो 20 दिन अगर आप इन्हीं क्लासेस में आ रहे हो तो कम से कम बिल्कुल दमखम के साथ आओ कि एक मिनट मिलेगा सवाल उसी एक मिनट में लगाने की कोशिश करेंगे, भले ही हो या ना हो वो एक अलग फैक्टर है, बट कम से कम आप अपने दिमाग को ट्रेनिंग तो दे रहे हो कि एक मिनट में करना है, एक मिनट में करना है, इससे फर्क पड़ता है, बहुत जरूरी है ये।